अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश भी होंगे। आज का वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मीरा बीमार हो गई है बहुत ज़्यादा, उसे मोशंस स्टार्ट हो गए हैं, उल्टियाँ वगैरह। तो हमारे घर में सभी बहुत बीमार हो गए हैं, मैं भी बीमार थी कुछ दिनों से, लेकिन अब थोड़ी ठीक हूँ। कल ठीक हूँ, रात भी काफ़ी आराम है मुझे, बट मीरा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा अप्स डाउन हो जाते हैं लाइफ में, तो वीडियो नहीं डाल पा रही थी हम। लेकिन कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी, और ये वीडियो भी मैंने जब बनाऊंगी तो बना पहले रही हूँ, अपलोड बाद में करूँगी। तो हम लोग गए हुए थे मेरे के लेके हॉस्पिटल, और मेरे को बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मेरी की तबीयत ख़राब थी जी। तो फिर हम लोग गए हुए थे क्लिनिक में मेरे का चेकअप करवाने के लिए, और अभी मेरे का चेकअप हो रहा है और मैं थोड़ा साइड पे बैठी हुई हूँ क्योंकि इसका चेकअप हो रहा है। और डॉक्टर जो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, बच्चों का चेकअप बहुत प्यार से किया जाता है, बहुत ख्याल से किया जाता है, जो चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। और अभी हम लोग वेट कर रहे थे और मीरब काफ़ी मतलब इंजॉय कर रही थी अपने चेकअप को, मतलब बिल्कुल भी रो नहीं रही थी या कुछ, उसे ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बहुत शाय हूँ या मुझे रोना आ रहा है कुछ भी, और बहुत अच्छे से मैंने चेकअप करवाया। और फिर उसके बाद इसका वेट भी चेक हुआ था, थैंक गॉड कि इसका वेट कम नहीं था, वेट जो है तो जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही था माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा सही वेट था बच्ची का। और हम लोग काफ़ी खुश हुए कि शुक्र है मेरे का वेट नहीं कम हुआ। और बस फिर उसके बाद मेरे भी यहाँ डॉक्टर से बातें भी कर रही है, और काफ़ी फ्रेंडली माहौल है उसका, और बिल्कुल भी उसे रोना नहीं आ रहा था, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मीरब ने ज़्यादा इस चीज़ को सर पे नहीं दिया। और फिर उसके बाद हम लोग गए हुए थे हॉस्पिटल, और मेरे को कुछ मेडिसिंस वगैरह दिए डॉक्टर ने, और बच्चों में ये हो जाता है तो ये कॉमन भी है, लेकिन ये बीमारियां जो होती हैं छोटे बच्चों में ये छोटी बात भी नहीं है वैसे। तो अब दुआ करें कि मेरी ठीक हो जाए जल्दी से, बल्कि जितने भी बच्चे बीमार हैं वो सब ठीक हो जाएं। यहाँ पर एक इन्फेक्शन हो गया फैला हुआ है जिसकी वजह से, ये बैक्टीरिया फैला हुआ है जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, और बस आज के लिए इतना ही व्लॉग है, अपनी दुआओं में याद रखें। नीलम आपको क्या हुआ है? लैश हो रही है। ओ मेरा बच्चा, कुड़ी तू चॉकलेट लेड लेड मी।